हेलो एवरीवन, दिस इज़ वन शेयर एंड यू आर वॉचिंग एलएलबी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम आईपीसी की वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 88 के बारे में। तो सेक्शन 88 किस बारे में बात करता है? देखिए, सेक्शन जो 88 है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है किसको? डॉक्टर्स को या फिर सर्जन्स को आप बोल लीजिए। मतलब जब डॉक्टर्स या फिर सर्जन्स इलाज कर रहे होते हैं सामने वाले पर्सन का, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तब उनको जो सेक्शन 88 डिफेंस प्रोवाइड करता है वहाँ पर। तो आइए चलिए डायरेक्ट लैंग्वेज पे आते हैं, डायरेक्ट लाइन पर। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। मतलब एक एक्ट जो इस इंटेंशन से नहीं किया गया कि वो डेथ कॉज करे, एंड किया गया है सामने वाले पर्सन की कंसेंट से, मतलब कि सामने वाले पर्सन की सहमति से, गुड फेथ मतलब अच्छी नीयत में, एंड उसके बेनिफिट के लिए। तो नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज़ एन ऑफेंस बाई रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। तो कोई भी एक्ट अगर वो इस इंटेंशन से नहीं किया गया कि वो सामने वाले की डेथ कॉज कर दे, तो वो ऑफेंस नहीं होगा इस रीजन से, इस वजह से कि उस एक्ट से कोई हार्म, कोई नुकसान पहुँच सकता है तो, या फिर पहुँच जाता है। एंड इस रीजन से भी जो वो एक्ट है ऑफेंस नहीं होगा कि वहाँ डूअर के इंटेंशन है उस हार्म को कोस करने की, एंड डूअर को पता है कि मेरे इस एक्ट से हार्म पहुंच सकता है। डूअर मतलब कि वो पर्सन जो उस एक्ट को कर रहा होता है। और टू बी नोन बाय डूअर टू लाइकली टू कोस टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ एंड हु हैज़ गिवन ए कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। उस पर्सन को जिसके बेनिफिट के लिए वो एक्ट किया गया है एंड अच्छी नीयत में किया गया है, एंड जो पर्सन है उसने कंसेंट दी है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से कि वो उस हार्म को झेलेगा, उस हार्म को सफ़र करेगा, या फिर उस हार्म का वो रिस्क लेता है, और टू टेक द रिस्क ऑफ डैट हार्म। तो क्या समझा हमने? देखिए, कोई एक पर्सन है, वो इस इंटेंशन से कोई एक्ट नहीं कर रहा है कि वो सामने वाले की डेथ कॉज कर दे, पर इस इंटेंशन से कर रहा है कि वो सामने वाले का बेनिफिट करना चाहता है, एंड सामने वाला जो पर्सन है उसने कंसेंट दी है कि मैं इस हार्म को झेलने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ जो है डूअर का एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा कि इस रीज़न से कि डूअर इंटेंशन से उस हार्म को पहुँचा रहा है, या फिर उस डूअर को पता है, वो जो करने वाला जो एक्ट है उसको पता है कि मेरे इस एक्ट से सामने वाले को हार्म पहुँच सकता है। क्यों नहीं माना जाएगा वो ऑफेंस? क्योंकि वो जो एक्ट किया गया वो सामने वाले के बेनिफिट के लिए किया गया है। वो जो डूअर है वो अच्छी नीयत में, गुड फेथ में एक्ट करते हुए सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए वो हार्म पहुंचा रहा है, तो वहाँ कोई ऑफेंस नहीं होगा। देखिए, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एक सर्जन है जिसको पता है कि उस पर्टिकुलर ऑपरेशन से जेड की डेथ कॉज हो सकती है। मतलब ए जो है जेड का ऑपरेशन करने जा रहा है, एंड एक जो सर्जन है उसको पता है कि इस ऑपरेशन से जो है डेथ हो सकती है जेड की। तो जो सर्जन है जब वो जेड का ऑपरेशन करेगा तो जेड को काफ़ी ज़्यादा पेन पहुँच सकता है, पर जो वो सर्जन ए है वो इस इंटेंशन से वो ऑपरेशन नहीं करेगा कि वो जेड की डेथ कॉज कर दे वो जो ऑपरेशन है, एंड वो अच्छी नीयत से इन गुड फेथ जेड के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन करने जा रहा है, एंड जेड की कंसेंट से करने जा रहा है वो ऑपरेशन। तो वहाँ ए का कोई ऑफेंस नहीं होगा। बेशक उस ऑपरेशन से जेड को हार्म पहुँचे किसी भी तरीके का, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है जेड के बेनिफिट के लिए है, एंड जेड ने खुद कंसेंट दी है इस बात की, एंड जो सर्जन है वो अच्छी नीयत से गुड फेथ में जो है ऑपरेशन करने जा रहा है, तो ए का जो है कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा वहाँ पर। तो ये था हमारा सेक्शन 88। इसमें इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता जुडिशियल सर्विस की। इनफैक्ट 88 से लेकर 95 तक आप अगर बेरक्ट की लैंग्वेज जो है पढ़ लेंगे इसकी, तो वो मोर देन सफिशेंट रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड नीचे कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और भी लॉ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आईपीसी की जो वीडियो सीरीज़ है वो मैं कंटिन्यू रखूँगा, एंड इससे पहले जो अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट वाज इट, हैव अ नाइस डे।